तो अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम के ऊपर। तो कौन कंपोनेंट्स, बेसिकली पार्ट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम भी आप कह सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है रिसेप्टर। रिसेप्टर का काम क्या होता है, ये क्या करता है, स्टिमुलस को रिसीव करता है। स्टिमुलस अभी हमने बात की थी कि कोई भी एक एनवायरनमेंट में चेंज आ जाए या फिर कोई भी एक फैक्टर जो इफेक्ट कर रहा है आपके ऊपर, ठीक है, उसे हम स्टिमुलस कहते हैं। अब ये रिसेप्टर क्या करेगा, जो स्टिमुलस को भेज देगा किसकी तरफ, कंट्रोल सेंटर की तरफ। कंट्रोल सेंटर बेसिकली आपका जो है वो ब्रेन कहलाता है। वो कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा कि कमांड्स, जो नेसेसरी कमांड्स है कि कौन सा एक्शन लेना है, वो भेज देगा किसकी तरफ, इफेक्टर की तरफ। अब ये इफेक्टर उन कमांड्स के ऊपर काम करेगा, जो उसको टास्क मिला होगा उस पर ये काम करेगा। ये कंपोनेंट्स को हम थोड़ा सा ना एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। तो एग्जांपल में हमारे पास स्टिमुलस है, कोई भी एक स्टिमुलस है। फॉर एग्जांपल, आप आग के करीब खड़े हुए, ठीक है, आपको गर्मी लगना स्टार्ट हो रही है, या आपने रिसीव किया, रिसेप्टर ने इसको रिसीव किया गर्मी को, ठीक है, गर्मी बेसिकली स्टिमुलस है, इसको रिसीव किया, उसने क्या किया, वो स्टिमुलस भेज दिया कंट्रोल सिस्टम सेंटर के पास। अब कंट्रोल सेंटर क्या करेगा कि एक कमांड भेजेगा। कमांड, फॉर एग्जांपल आग की तरफ खड़े हैं तो कंट्रोल सेंटर एक कमांड भेजेगा कि वहाँ से दूर हटो, गर्मी जो है वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को फॉर एग्जांपल अनबैलेंस कर रही है। तो वो कंट्रोल सिस्टम वहाँ पर एक कमांड भेजेगा किसकी तरफ, इफेक्टर की तरफ। इफेक्टर अब जो है वहाँ पर काम करना स्टार्ट कर दे, जो आप काम करोगे वहाँ से दूर हटोगे वो आप करवाएगा कौन आपको, इफेक्टर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा ऑस्मो रेगुलेशन है। इसमें कोई क्वेश्चंस हो तो काइंडली वो क्वेश्चंस सेंड कर दें, इंशाल्लाह इन क्वेश्चंस को भी हम क्लियर कर देंगे। तो अगले लेक्चर में हमारे मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।